जी दोस्तों, रोड के ऊपर हमें दो ऐसे लोग मिले हैं और बड़े बहिमत लोग हैं, पैदल आ रहे हैं और कभी भी 4200 का पेट्रोल गाड़ी में नहीं आया जब से बना है, माशाल्लाह से तकरीबन खाली पड़ा हुआ है। पहले जनाब हमारा ऑफिस होता था इस प्लाजा में जी, बहुत दिल की मेरी मुराद पूरी हो गई। बहुत शुक्रिया सर। यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं बच्चे बच्चियां तो उनके लिए बहुत आसानी है। ये जो दरिया है ये इंडिया से आता है, ये देखें, ये होता है बातों से बातें पकड़ी जाती हैं। हम कहीं भी दावत खाने जाएं, क्या बात है, इतना जबरदस्त माहौल। आशिक भाई आ जाए ना, आज तो मेरी बात मानो सारी देर। नहीं भाई यार, बुजुर्ग आदमी है, इसकी बात मान ले भाई। आशिक भाई की, आशिक भाई की फरमाइश पे मटन अखवानी। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि कोई वीडियो रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे व्लॉग्स को भी देखते रहते हैं। और तो आज के व्लॉग में हम निकल रहे हैं जनाब एक ऐसे पर्सन का इंटरव्यू करने जिसको हमने मक्स 9 TV पे पकड़ा और उसके पास गए और उसको जिन्नात के असरात थे। तो बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि आपने उस्मान से भी मिलवाना है, तो उस्मान साहब मेरे तैयार होते होते वो सोए हुए हैं, जैसे स्कूल से आए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और अभी जो है गर्मियों की छुट्टियां होने वाली हैं, अभी 2 दिन बाकी हैं। तो फिर आके सो गया, तो फिर मैंने जगाया नहीं है, मैंने कहा इसको सोने देते हैं, तो फिर किसी दिन आपसे जो है ना मुलाकात में करवा दूंगा। तो अभी जो है मैं यहाँ से निकलने लगा हूँ और ये एक बिल्ली हमारे घर में घुसी हुई थी, भाग रही है। जी जनाब, ये बाहर का माहौल है और कसवर भाई जो हैं वो बाहर गाड़ी निकाल के खड़े हुए हैं। चेक करते हैं गाड़ी निकालिए। हाँ जी बिल्कुल, गाड़ी में ये देखें कसवर साहब जो है वो रेडी बैठे हुए हैं, तो हम निकलते हैं। हमारे एक दोस्त बैठे हुए हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं लैपटॉप पे, तो उनसे हम बाय बाय कर लेते हैं। ये मेरे दोस्त बैठे हुए हैं अलवी साहब, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक, खैरियत से? हमें फिर इजाज़त है सर, मोस्ट वेलकम। इस मिशन पे जा रहे हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे सर। आमीन आमीन। कामयाबियां और कामयाबियां, आप बस करें अपना काम कंप्लीट, इंशाल्लाह मुलाकात होती है। ठीक है सर, वेलकम, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। जी जनाब, अभी हम चलते हैं ड्राइंग रूम में। यार मैं कहता हूँ जग ये चीज़ें उठा लिया करें, कोई नहीं उठाता यहाँ पे, बच्चे बस आलसी हैं। आज मैंने ड्रोन भी साथ रख लिया है, मैं कहता हूँ कि गाड़ी में यार ड्रोन रख लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी जगह पे ऐसा भी होता है कि ड्रोन की ज़रूरत पड़ती है, और फिर हम सोच रहे होते हैं कि यार ड्रोन होता तो हम ये शॉट लेते तो फलां चीज़ जो है वो पकड़ी जाती, तो इसलिए आज ड्रोन भी जो है वो साथ रखा हुआ है। ये जब हम सफ़र पे जाते हैं तो एक पानी का कूलर भर लेते हैं, कुछ बूट शूट, कुछ शर्टें वर्टें, कुछ चीज़ें रख लेते हैं। ये कसर साहब आज बैठे हुए हैं, इनका भी देख लें इनको। हाँ जी रेडी है, सारा सामान ओके है? ओके। कैमरा शैमरा भी रखा हुआ है, ड्रोन भी आ गया और सारी चीज़ें आ गई, तो फिर चलते हैं जी। कुछ इक्विपमेंट जो है हम अभी चेंज करने वाले हैं, मैंने सोचा कि आईफोन ले लेते हैं व्लॉगिंग के लिए, उसका रिज़ल्ट बड़ा अच्छा होता है, और उसके अलावा कोई गिम्बल शिम्बल ले लेते हैं। जो आप देख रहे हैं कि गाड़ी में जैसे ये मतलब जैसे गाड़ी के जंप लगता है तो कैमरा भी साथ साथ हिलता है, तो जारी बात है स्टेबल नहीं होता ना, तो इसको ठीक करने के लिए इंशाल्लाह अभी इक्विपमेंट लेना है, टाइम नहीं मिल रहा। लाहौर से ज़्यादातर चीज़ें मिलती हैं और अगर ऑनलाइन हम लेते हैं तो वो उसकी या तो क्वालिटी अच्छी नहीं होती या फिर आप उसको फिर चेंज भी नहीं कर सकते, रिप्लेस नहीं कर सकते, तो इससे अच्छा है कि आप मार्केट में जाएँ और ख़ुद वहाँ से चीज़ें ले लें देख के अपनी मर्ज़ी की। सुबह भी छोटी सी गली है, गाड़ी निकल जाएगी। आप शॉर्टकट के चक्कर में ना छोटी छोटी गलियां कसवर साहब ले लेते हैं शॉर्टकट के चक्कर में, क्या वजह है भाई छोटी गलियों पे क्यों जाते हो? ना सर आपको पता है फ्यूल कितना महंगा हो गया। अरे फ्यूल का चक्कर नहीं है, हट जा भाई, हट जा 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 यार, पापड़ खा रहा था लगता है भाई। और हम छोटी सी गली से बाहर निकल चुके हैं, ये बोसन रोड है जी, ऊपर ये आपको जो नजर आ रहा है ये मेट्रो का ट्रैक है और ये तकरीबन 17 किलोमीटर मेट्रो का ट्रैक है, जो कि बहुत ज़्यादा आसानी होती है लोगों के लिए, और जो लोग ख़ासतौर पे यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं बच्चे बच्चियां, तो उनके लिए बहुत आसानी है कि वो मेट्रो के ज़रिए जल्दी जा सकते हैं, इससे पहले वो बेचारे इसी रोडों पे फंसे रहते थे रश में। और जी दोस्तों, हमारे पास जो है पेट्रोल का जो रेट है वो बढ़ चुका है, और इस वक्त जो पेट्रोल है तकरीबन 180 रुपये पर लीटर मिलता है, तो अब जब बंदा घर से बाहर निकलता है तो बहुत सोच समझ के निकलता है कि यार बाहर जाना है तो पेट्रोल भी खर्च होगा। तो इंडिया वाले जो दोस्त हैं वो बड़े खुश नसीब हैं कि उनका जो है वो रूस से मुआहदा हो गया था, और अभी अभी जो हमारे साबिक वज़ीर आज़म हैं, ये देखें हम साथ साथ न्यूज़ भी देख रहे हैं, वो बता रहे हैं
कि इंडियन हुकूमत ने रूस से जो है वो मैदा किया, जिसकी वजह से 30% उनको पेट्रोल और डीजल उनको कम रेट पे मिला है, तो जिससे इंडिया के जो आम लोग हैं, शहरी हैं, उनको इसका फ़ायदा हो रहा है। और हम इसकी डील करने गए थे लेकिन हमारी डील न हुई, हमारे अदम एतमाद के ज़रिए हमारी हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया, और जिसकी वजह से जो है पाकिस्तानियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, साथ साथ हम गाड़ी में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख रहे हैं, और दुआ करते हैं कि यार इस मुल्क के हालात बहुत अच्छे हो जाएं। चलें, पेट्रोल तो महंगा हो गया और बाकी जो मसले मसाइल हैं, बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी ठीक हो जाएं और एक बेहतर हुकूमत आ जाए जो इस मुल्क के लिए बेहतर हो, मुखलिस हो, तो यही दुआ है। ये जी 9 नंबर चुंगी जो है ना, इधर बड़ा रश होता है यार कसूर साहब, ये जब से ये जगह टूटी है ना ये वाली, उसकी वजह से काफ़ी ट्रैफिक रुक जाती है। और बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि यार आप लोग शिफ्ट हो जाएं लाहौर में, कराची में, या मतलब किसी और शहर में। मसला ये है कि मुल्तान के साथ हमारा गांव है, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो वहां पे रहते हैं और बाकी भी रिश्तेदार वहां पे हैं, तो कोई दुख सुख होता है तो हम भाग के यहां से 20-25 मिनट में मुल्तान से अपने गाँव में पहुँच जाते हैं। तो उससे मतलब ये है कि थोड़ा दिल को सुकून रहता है कि यार बुज़ुर्गों की ज़ियारत होती रहती है और फिर वहाँ पे मतलब चली जाती है तो बड़ी खुशी होती है। लाहौर कराची में होंगे फिर आना जाना मसला होगा, तो फिर इसी तरह दूरियाँ जो हैं वो बढ़ जाएंगी, तो ज़िंदगी तो एक ना एक दिन ख़त्म होनी है, चाहे आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएँ, जो वक्त मुकर्रर है आपका दुनिया से आप जाएँगे तो उस वक्त आपको जाना ही पड़ेगा। किसी भी शहर में होंगे, कितना कमा चुके होंगे, क्या कुछ होगा आपके पास, दिन ब दिन जो है इंसान की लाइफ जो है वो मतलब देखें, उम्र जो है हमारी घटती जा रही है। वो जी सामने दरबार नज़र आ रहा है मुल्तान का मशहूर, कभी मैं उधर भी व्लॉग बनाऊंगा, वो देखें सामने करके मुल्तान का जो सबसे बड़ा फ्लाईओवर है उसके ऊपर अभी हम ड्राइव कर रहे हैं और ट्रैवल कर रहे हैं। दोस्तों हम कोशिश कर रहे हैं कि 2-3 स्क्रीनें, जैसे ये बिलबोर्ड लगे हुए हैं, तो किसी अच्छी लोकेशन पे 2-3 हम अपने लगाना चाह रहे हैं और बकायदा उसकी अप्रूवल लेंगे, और उसके बाद फिर ये मैंने पहले भी दिखाया था मुल्तान का जो स्टेट बैंक है ये वाला सामने, तो सर साहब आज रश बहुत कम नहीं है? सैटरडे है ना, छुट्टी होती है ना सैटरडे और संडे में। ओके, जब हम ये व्लॉग बना रहे हैं तो ये सैटरडे है और कोशिश करेंगे इसको जल्दी जल्दी अपलोड कर लें, हमारे व्लॉग तो 4-4 महीने पड़े रहते हैं, उसको हम अपलोड नहीं कर सकते। जी सर, ये है मुल्तान के हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट का मुल्तान बेंच की इमारत है ये। ये अभी बड़ा खूबसूरत चौक बनाया है, इसको कलमा चौक का नाम दिया गया है और इस पर सारी कलमे लिखी हुई हैं जी। ये पुलिस के जितने भी शहदा हैं उनका ये सारा बोर्ड लगाया गया है। इससे पहले जनाब हमारा ऑफिस होता था इस प्लाजा में, और इस प्लाजा के अंदर हमारा ऑफिस होता था वो ऊपर जाके 3rd फ्लोर पे था कसूर साहब। जी जी, 3rd फ्लोर पे। जब से पेट्रोल महंगा हुआ है तो दिल करता है बस थोड़ा आगे जाके पेट्रोल डलवाते हैं, थोड़ा इससे अगले पंप पे पेट्रोल डलवाते हैं, लेकिन मैं कसूर को कह रहा हूँ यार कसूर साहब कहीं से भी आखिर ना आखिर तो पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, बगैर पेट्रोल के तो गाड़ी नहीं चलती, चाहे 200 रुपये लीटर भी हो जाए, ज़िंदगी तो चलनी है, काम तो करने हैं ना। तो हम पीछे काफ़ी सारे पंप छोड़ के आए, इस पंप से डलवाएं, इससे ना डलवाएं, इससे मकसद यही है कि थोड़ा आगे निकल जाए, लेकिन यार ये कैसे बचत हो सकती है, पेट्रोल तो डलवाना ही पड़ेगा ना। ये मुल्तान कैंट, ये निराला स्वीट्स हैं जनाब, यहाँ पे बहुत अच्छी मिठाई होती है। ये बुमंजी प्लाजा है, बड़ा खूबसूरत है जी, जब से बना है माशाल्लाह से तकरीबन खाली पड़ा हुआ है। ये देखें जनाब बाइकों की मार्केट है, यहाँ पे बाइक्स पुराने वाली बाइक जो हैं वो सेल होती हैं। जो हमारे घर में आप झूला देखते हैं वो हमने यहाँ से लिया था, इस जगह से। एक और फ्लाई ओवर पे हम पहुँच चुके हैं और ये मुल्तान से बाहर निकलने का लास्ट हमारा फ्लाई ओवर है, अभी लास्ट है ना, लास्ट है डबल फाटक, डबल फाटक फ्लाईओवर, साथ ही रेलवे स्टेशन, साथ रेलवे स्टेशन है वो भी आपको दिखाएंगे किसी दिन व्लॉग में, रेलवे स्टेशन पे हमने जाना है, बल्कि रेल पे सफर ही कर लेंगे और पूरा व्लॉग बना के आपको दिखा देंगे, कोई नहीं शुजाबाद तक चले जाएंगे। खान साहब तुम चुप कर जाओ, सी व्लॉग बना रहे हैं, काम करो जी। कसूर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी, कसूर साहब मुल्तान में ना सबसे ज्यादा सब्जियां और फ्रूटियां यहां मिलती हैं और वो भी सस्ती, किस एरिया में,
इस एरिया में सस्ते सब्जियां और फ्रूट, कह रहे हैं जी सब्जियां और फ्रूट इस एरिया में सस्ती मिलती हैं, तो कोई गुलगश्त की निस्बत, कैंट और गुलगश्त की निस्बत यहाँ पे चीजें कम रेट पे मिलती हैं। वाह जी वाह, ये क्या चीज है, 20 रुपए का पाव यानी के 80 रुपए किलो। तरबूज, तरबूज है और सामने फालसे लगे हुए हैं, वो लिखा हुआ जी 30 रुपए का पाव फालसे और 20 रुपए का पाव ये। वाह वाह, आशिक साहब क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। ठीक ठाक खैरियत से हैं? घर में सब ठीक है? सब ठीक है, बच्चे भाभी सब? सब खैर है, सारी भाभियाँ ठीक है। सर आगे बैठना पसंद करेंगे? नहीं नहीं सर, मैं पीछे ठीक हूँ। अच्छा क्यों आगे क्यों नहीं बैठते? नहीं। पता है ना आशिक भाई, एक बार पहले भी आप बैठे थे। नहीं नहीं, आशिक भाई को फ्रंट पे जो है ना डर लगता है, कहते हैं मैं उड़ने लग जाता हूँ, ऐसे ही। हाँ बिल्कुल। चलें जी, आज उस भाई का इंटरव्यू करना है जिसका हमने प्रोग्राम किया था, तो देखते हैं कि उसकी अब तबीयत कैसी है। सारे दोस्त कह रहे थे कि यार उसका आपने इंटरव्यू लाजमी करना है। आखिरकार हमने कहा जी पेट्रोल डलवा लेते हैं, हमने कहा आशिक भाई की मौजूदगी में पेट्रोल डलवाते हैं, जरा बरकत हो जाएगी। 180 रुपए हो गया है। 180 रुपए नहीं, 90 रुपए सर, पहले 160 था ना। नहीं 150 था। आशिक भाई साहब तो सीधा रखा करें, ड्राए तो नहीं, 180 पे हमारा दिल हिल जाता है, आप 190 बोल रहे हैं, कह रहे 190 रुपए हो गया है। पेट्रोल अच्छा है ना भाईजान? खाले से कभी भी 4200 का पेट्रोल गाड़ी में नहीं आया, और आज रेट बढ़ने की वजह से पहली दफा हम पेट्रोल डलवा रहे हैं तो 4200 का पेट्रोल आया, हालांकि 2 सेल बचे हुए थे, तो ये हाल है जी यहाँ पे। कभी हमने डलवाया था इतना 4250 का? हालांकि 2 सेल बचे हुए थे, 4250 का फिर भी आ गया, पहले हो जाता था 3400-3500। अभी जब 200 का होगा तो फिर क्या होगा यार। ये दोस्तों दो लोग जा रहे हैं, इनसे पूछते हैं कहाँ जा रहे हैं। जी दोस्तों, रोड के ऊपर हमें दो ऐसे लोग मिले हैं और बड़े बहिमत लोग हैं, पैदल आ रहे हैं और पता नहीं कहाँ जा रहे हैं सफर करके। सर जी कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? जंग से आ रहे हैं और हम करबला जा रहे हैं। आप जंग से आ रहे हैं और करबला जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं? करबला तक पैदल जाएंगे इंशाल्लाह। तो वीजा वगैरह लिया हुआ है? नहीं वीजा नहीं, बस मौला का करम है, मौला भेजने वाला है। तो वे फिर बॉर्डर कैसे क्रॉस करेंगे? आप भी बाबा जी? हाँ जी आप भी। बिल्कुल वहाँ तक करबला तक पैदल जाएंगे? शाम तक, शाम तक, ईरान इराक शाम, ईरान इराक शाम, सब पैदल जाएंगे, पैदल जाएंगे। ये देखिए या फिर मौला के इश्क में जो चलता है ना, या मर के हटता है या मंजिल पा के। आप पहली दफा पैदल चल रहे हैं? पहली दफा। पहली दफा? हाँ जी। पहले आपके कोई दोस्त भी गए हैं? वहीं तो काफ़ी लोग जाते हैं लेकिन हमारा करीबी दोस्त नहीं है। सही है। हाँ जी। ये देखें जनाब, ये दो हमारे भाई दोस्त बिल्कुल पैदल यहाँ से जा रहे हैं, करबला ईरान इराक जाएंगे, और अभी ये मुल्तान की हदूद में मौजूद हैं। ये बता रहे हैं कि हम जो है वो जंग से आए हुए हैं और जंग से मुल्तान पहुँचे हैं, और बिल्कुल ही टोटल पूरा रास्ता मुझे यार पूरा रास्ता पैदल। एक दिन में हम 50 किलोमीटर जनसना तय कर रहे हैं। एक दिन में 50 किलोमीटर? 50 किलोमीटर तय कर दें। कितने दिन के बाद वहाँ पहुँचेंगे? ये अब अल्लाह पाक को पता है, मौला को पता है कि कब तक हमें अपने पास बुलाएंगे। अब वैसे टारगेट क्या है, कितने दिन में आप पहुँच जाएंगे सर? मौला बेहतर जानते हैं, मौला बेहतर जानते हैं। एक घंटे में पहुँचा सकते हैं, साल में पहुँचा सकते हैं, ये मुझे नहीं, ये मालिक बेहतर जानते हैं। तो खाना पीना कहाँ से करते हैं फिर? वो जहाँ बेहतर हो मिल जाता है। अच्छा खाना पीना मिल जाता है, अपना कोई इंतजाम नहीं किया हुआ, पानी शानी है वो? पानी का बोतल है, पानी का एक बोतल, पानी का ये बोतल रखा हुआ है, रास्ते में जहाँ भी पानी मिला भर लिया। ठीक है। ये देखिए जी, ये जो भाई हैं ये यहाँ से जंग से चले हैं और जंग से पैदल चल के करबला जा रहे हैं, ये जाएंगे ईरान इराक और फिर वहाँ से ज्यारतें करके पैदल वापस आएंगे, और इनके पास कोई वीजा भी नहीं है। अच्छा वापस गाड़ी पे आना है? मुझसे गलती हो गई, कह रहे हैं वापसी हमने गाड़ी पे आना है। माशाल्लाह जी सलाम है आपको, आप बड़े ही बाहिम्मत लोग हैं और इतनी हिम्मत के साथ जा रहे हैं। अल्लाह करे जी अपने हिफ्ज व अमान हर मुसलमान मोमिन रखे जी, अल्लाह करे जी आप खैर करियत से पहुंच जाएं। बहुत शुक्रिया सर, हमारे लिए कोई खिदमत, ठंडा पानी हम भर के दें जी सर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? ठीक है, खैरियत से?
आपने पहचाना है हमें? बिल्कुल पहचाना। वीडियो देखते हैं? प्रोग्राम दुबई में देखता हूँ। अच्छा, पहले देखा था वो राज, पता नहीं कौन राज की बात, राज के बात अभी मैंने आपसे भाई को देखा मौसे का। अच्छा, ये भाई इधर से गुजर रहे थे और ये कहते हैं मैं दुबई में आपका प्रोग्राम देखता हूँ और इनकी मेहरबानी इन्होंने मुझे पहचान लिया, राज की बात प्रोग्राम देखते हैं। सर आप भी, आप इधर होते पाकिस्तान? अच्छा, बहुत शुक्रिया सर, इनको कार्ड दे दें, कभी फ़ोन पे रब्ता कर दें। और आप ठीक हैं? क्या खिदमत करें आप? मैंने देखा और मेरे दिल में था मेरे को भाई से कभी मिलूँ तो अल्लाह ने देखो कैसी जगह पर मिला। चलो आपको मैं दूध वाली बोतलें पिला। सर बहुत मेहरबानी, नज़दीक है सर, बहुत मेहरबानी। हमने वो पानी शानी रखा हुआ है, आप ये हमारा कार्ड है, प्लीज़ आप इस पे नंबर लिखे हुए मेरे से रब्ता करिएगा जहाँ भी जाएँ। कभी मुल्तान है तो हमारे पास खाना वाला खाई, खाना मेरे पास खाई। इंशाल्लाह मैं आऊँगा, गुलगस्त में हमारा कार्ड। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलने के लिए जरूर आऊँगा जी। बहुत दिल की मेरी मुराद पूरी हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, शुक्रिया सर, शुक्रिया जी। ये हमारे दोस्त हमें मिल गए थे, हमारा प्रोग्राम देखते हैं, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। तो आगे चलते हैं। एक थाना गिरा था, हालत देखें इसकी, आज तक इसको बनाया नहीं गया। ये दरियाए चनाब है, हम इस वक्त चनाब के पुल पे खड़े हुए हैं। ये देखें, ये जो दरियाए चनाब है यार, जैसे गाड़ियां गुजरती हैं पुल बड़ा हिलता है यार। और चनाब है, इसका पानी जो है इस वक्त बिल्कुल खुश्क हो चुका है और एक साइड पर पानी चल रहा है। ये जो दरिया है ये इंडिया से आता है और फिर आगे जाता है, सिंध में शामिल होता है और सिंध से फिर समंदर में चला जाता है। ये आमों के बागात हैं। आशिक भाई, आम कब पकेंगे हमारे इलाके में? ये बात है, एक महीना रहेगा बकरा ईद पे, इंशाल्लाह आम खाएंगे। अच्छा, बकरा ईद पे आम तैयार होंगे इंशाल्लाह, पक्की बात है? पहले हो जाएंगे सर, पहले हो जाएंगे, बकरा ईद से पहले हो जाएंगे। अब एक भाई कह रहे हैं कि बकरा ईद बाद आप देखना अपने पाकिस्तान। एक भाई कह रहे हैं, कसवर भाई कह रहे हैं कि आम जो है बकरा ईद से पहले तैयार हो जाएंगे और आशिक भाई फरमा रहे हैं बकरा ईद पे तैयार होंगे। अब देखना ये है कि इन दोनों में से किन की बात सच्ची होती है। सर मैं कल एक दावत खा के आया हूँ बाग में। अच्छा, उन्होंने ओपनिंग की है, वो कह रहे हैं कि हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते में अपना शुरू कर देंगे कटाई। ये देखें, ये होता है बातों से बातें पकड़ी जाती है। हम कहीं भी दावत खाने जाए इन दोनों को साथ लेके जाते हैं और ये हजरत साहब मौलाना अलामा साहब कहते हैं मैं एक दावत खा के आया हूँ। अच्छा, इसका मतलब है आप हमारे अकेले दावतें खाते हैं भाई। कल मेरी छुट्टी थी, आप घर थे, मैं अपने घर था, बस वो मैं नजदीक ही बुलाया। ये बहाना होता है हमारा घर कोई लाहौर में, मुल्तान में, हमने यार आ जाना था आप हमें। अच्छा भाई, देखा है आप इसके बगैर रोटी नहीं खाते, ये बंदा सही नहीं है, बहुत गलत है। अभी मगरिब हो चुकी है, थोड़ी देर हम यहाँ पे रुके, मस्जिद है साथ में पंप के ऊपर, यहाँ पे नमाज मगरिब अदा करेंगे और उसके बाद जो है अपना सफ़र आगे की तरफ जो है वो जारी रखेंगे। तो अभी हाँ भाई, नमाज पढ़ लें जी सर, रेडी हैं आशिक भाई? हाँ जी, चले मस्जिद की तरफ, शाबाश जी। अभी हमने जो है वो नमाज पढ़ ली है, आशिक भाई पढ़ ली है? हाँ जी पढ़ ली। तो अब रात भी होने वाली है और सर सूरज जो है वो बिल्कुल डूब चुका है और आगे जो है इस व्लॉग के अंदर अब जो इर्द गिर्द की एक्टिविटीज़ है वो नहीं दिखा सकेंगे जी। दोस्तों आज हम जो है सारा दिन घूमते घूमते, वो काम तो हुआ नहीं जिसके चक्कर में गए थे, उस बंदे ने हमें इंटरव्यू ना दिया और उसके बाद एक बहुत अच्छा सा प्रोग्राम और किया है। अभी बहरहाल रात को हम वापस आ गए हैं, राज की बात प्रोग्राम एक एपिसोड किया है और आशिक भाई और सारे ये मुँह शूँ धोने गए, फ्रेश होने गए। यहाँ पे ये बड़ा खूबसूरत होटल है, न्यू बना है, शाही शनवारी, और ये देखें आप भी यहाँ पे हैं तो यहाँ का माहौल अच्छा लगा, हमने कहा ज़रा यहाँ से खाना खा लेते हैं। रात के इस वक्त तकरीबन 2 बजने वाले हैं जी। हाँ, आशिक भाई भी आ चुके हैं। आशिक भाई मुँह से धोए हैं? हाँ जी, धोए, साफ हो गया, बिल्कुल साफ हो गया। अब मैं भी धोने जाता हूँ, बंदा तो मिला ना, उसका इंटरव्यू तो ना हुआ, लेकिन यहाँ पे चले एक प्रोग्राम हम करके आए हैं। प्रोग्राम बड़ा ज़बरदस्त तो है, बताते नहीं है कौन सा प्रोग्राम हुआ है, वो आपको देखना पड़ेगा मक्स 9 टीवी पे। हाँ जी, और बड़ा ज़बरदस्त मज़े का प्रोग्राम हुआ है। तो अभी खाना खाते हैं, वो भी दिखाते हैं क्या क्या चीज़ बनाई है। ये बड़ा ही खूबसूरत होटल है यार, पहली दफ़ा हम यहाँ पे आए हैं, पहली दफ़ा आए और बना भी नया बना है। चलें बैठते हैं, उस तरफ बैठना है, बड़ी खूबसूरत जगह, बाहर बैठने के लिए है, यहाँ भी बैठ सकते हैं, हर तरफ जहाँ आपकी मर्जी हो आप वहाँ पे बैठ सकते हैं, बड़ा खूबसूरत एरिया है। और ये देखें ठंडी हवा भी है। अच्छा भाई, उड़ना चाहें भाई, पंखे भी बहुत बड़े बड़े लगे हुए हैं, पंखे भी बड़े बड़े लगे हुए हैं। क्या माहौल है भाई, क्या बात है, इतना ज़बरदस्त माहौल और कलर कम्बिनेशन देखें आशिक भाई, वाह वाह ज़बरदस्त है।
ये मेरे ख्याल सारे यहाँ पे हर तरह के लोग, ये आउटडोर बनाया है, उधर अगर किसी ने अंदर बैठा हो तो वहाँ बैठ सकते हैं, ये इधर। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा माहौल है, हमें तो इतनी खूबसूरत जगह है पता नहीं चल रहा कहाँ पे बैठे। कहाँ बैठे आशिक भाई आप? आशिक भाई सिलेक्ट करते हैं सर, इधर आ जाओ। इधर 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 यार, इधर ठीक है, चलो इधर आ जाओ, चले इधर ठीक है। चलो यार आपका कहना मानते हैं, आपने इधर बोला था? नहीं इधर बोला था, यहाँ बैठे। इधर इधर यार चले इधर आ जाते हैं, आपका कहना मानते हैं। ये लाइट है यहाँ पे, अब यहाँ तशरीफ लाएं, आपको तंग नहीं करते, थके हुए हैं जी जनाब। अभी जो है वो आशिक भाई बैठ चुके हैं और कसर साहब आ गए, आ जाए कसर भाई बैठे। सर वहाँ चलते हैं अंदर बैठते हैं। अरे नहीं आशिक भाई ने बोला इधर बैठते हैं यार। नहीं सर बाहर गर्मी है, अंदर बैठते हैं, वहाँ देखें। और नहीं गर्मी बड़ा अच्छा माहौल है आशिक भाई, ये क्या हो रहा है? नहीं सर यहीं बैठेंगे हम। सर वहाँ चलते हैं, यहाँ नहीं बैठना। आशिक भाई आ जाएं यार, आप लोग लड़ाई करने लग गए हो। नहीं सर लड़ाई नहीं कर रहे, आशिक भाई आ जाए ना। आज तो मेरी बात मानो सारी देर। नहीं भाई यहाँ यार बुजुर्ग आदमी है, इसकी बात मान ले भाई आशिक भाई। सर ये कहाँ से बुजुर्ग? आशिक भाई मैं आपके साथ हूँ, मेरा वोट। अब ये मौलाना साहब नहीं मान रहे लगते हैं आपको, दिखाए मुझे एक भी आशिक भाई का बाल सफेद नहीं देखे, माशाल्लाह जवान है। नहीं माशाल्लाह अंदर बैठते हैं सर। आशिक भाई फिर मान ले मौलाना साहब है, मेहरबान। कौन सी जगह है जरा दिखाना? अच्छा ये बड़े देसी आदमी है, कहते हैं चार पहियों पे बैठते हैं, यहाँ हवा आ रही है। हाँ यार वैसे कसर भाई लाइट भी ठीक है इधर, आशिक भी बैठे पे। हाँ यार बड़ा देसी माहौल है चार पहियों वाला, क्या बात है, बहुत ही ज़बरदस्त। कसर भाई आपकी बड़ी अच्छी चॉइस है यार। सर ये हवा वैसे मैं ठंडी ठंडी बाहर से वो ठंडी हवा लेके आपको अंदर दे रहे हैं। अब ठीक क्या रहते थे कसर भाई? सही है सर, जैसे मौलाना साहब कह दिया हम मान गए। वाह वाह वाह, चलें बैठते हैं मेहरबानी, और वेट करते हैं जब हमारा खाना बनेगा। मैं ज़रा मुँह छू धो लेता हूँ यार, ठीक है? साबन पड़ा हुआ है उधर जी। खाना जो है अभी आया नहीं है, और मैं जो है वजू भी करके आ गया हूँ, तो जितने में हमने कहा खाना आता है तो नमाज़ पढ़ लेते हैं, इशा की नमाज़ का टाइम जा रहा है क्योंकि दो तो बज चुके हैं। तो आप भी कसर भाई वजू करके आ जाएं। जा रहा हूँ सर वजू करने जा रहा हूँ, फिर आपके पीछे आ रहा हूँ। इतने में खाना भी आ जाता है, ठीक है, और इतने में नमाज भी पढ़ लेंगे। अभी हमने नमाज़ पढ़ ली है और खाने का वेट है, यही टमाटर प्याज आशिक भाई खाई जा रहे हैं, और खाने का भी वेट है। तैयार हो गया माशाल्लाह, खाना आ गया माशाल्लाह, बहुत मेहरबानी जी। ये चीज़ ये है जी आशिक भाई की फरमाइश पे मटन अखवानी कढ़ाई, ऐसे आशिक भाई बिल्कुल ऐसे। और अभी हम वेट करेंगे, मटन अखवानी और रोटी साथ में आ चुकी है, और आशिक भाई अभी देखी जा रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं। कसर भाई नमाज़ पढ़ रहे हैं, वो सामने खड़े हैं, तो जैसे आएंगे तो फिर खाना शुरू करते हैं इंशाल्लाह। आशिक भाई तो हमें इजाज़त दीजिएगा, अभी खाना खाएंगे, और खाना खाने के बाद जो है हम फिर मुल्तान जाएंगे। उम्मीद है आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की, और जो एपिसोड रिकॉर्ड किया है बहुत कमाल है, वो आपने देखना है मक्स 9 TV पे वो अपलोड करेंगे। बताता नहीं हूँ कौन सा हुआ है, बहुत मेहनत के साथ हुआ है, एंड में हमें वहाँ से भागना पड़ा है डर के मारे। खाने को भी वेट नहीं कराते, कसर भी आते खाना खाते हैं। तो हम भी याद रखिएगा अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।